To get more video, subscribe my channel and hit the bell icon. Friends, welcome to my YouTube channel Versatile Ashutosh. आज मैं बताने जा रहा हूँ किस तरह से हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, किसी भी स्टॉक का शॉर्ट टर्म ट्रेंड एनालिसिस करेंगे और विद इन फ्यू डेज मतलब 5 to 10 days हम कैसे अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, वो हम आज देखेंगे. जनरली होता क्या है कि हम जब भी स्टॉक में एंट्री करते हैं, एग्जिट करते हैं, तो रेंडमली एंट्री और एग्जिट करते हैं और मोस्टली पीपल ऐसा ही करते हैं. और जनरली मैंने तो ये देखा है कि जनरली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट लोग कैसे करते हैं कि एक फ्रेंड ने बोला है कि भैया यार काफी स्टॉक गिर चुका है, यस बैंक का आप परचेस कर लीजिए, काफी मैंने तो ले लिया 100 क्वांटिटी. तूने लिया क्या? हाँ यार बहुत अच्छा गिर गया वो तो. मतलब कहीं भी किसी भी समय किसी के कहने से, किसी के टिप्स देने से या किसी भी तरीके से लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं सिंपल. बाकी ये कभी नहीं देखते हैं कि किस तरह से हमें एंट्री टेक्निकली हमें एनालिसिस करके किस तरह से हमें एंट्री करना है और किस तरह से एग्जिट करना है. अगर आप डिसिप्लिन वे में अगर किसी को काम करेंगे, किसी चीज को करेंगे, तो डेफिनेटली आपको वहां पे अच्छा प्रॉफिट अर्न होगा ही होगा. समस्या क्या होती है, अगर आपको किसी स्टॉक में अगर कॉन्स्टेंटली अगर आपको लॉस आ रहा है तो हम क्या करते हैं उसमें कॉन्स्टेंटली या तो बने रहते हैं या फिर एग्जिट करते हैं. बने रहते हैं कि भैया यार कभी तो बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, इंतजार करते हैं बढ़ेगा. अरे भाई हमारा घर की कोई खेती थोड़ी है जो बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ जाएगा वो भाई. हमको जो है टेक्निकली चीजों को देखना है कि कब हमें एंट्री करना है और कब स्ट्रिक्टली चाहे कुछ भी हो जाए हमें एग्जिट करना है, मतलब एग्जिट करना है सीधा सा. तो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा है, लगभग सभी लोग जानते हैं, फिर भी जो है मोस्टली लोग जो एक्सपर्ट लोग तो इस्तेमाल करते हैं, बट जो है कॉमन ट्रेडर जो है, कॉमन इन्वेस्टर जो है, वो इस चीज को इस्तेमाल बहुत सी बार अवॉइड करते थे कि यार ये इसमें क्या नया क्या है. नया कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ. एक मिनट ये देखिए, मैंने अपस्टॉक का टर्मिनल ओपन किया. सिंपल सा स्ट्रेटजी है, 200 डेज का मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना है और किस तरह से इस्तेमाल करना है, वॉल्यूम को भी देखना है. तो मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करना है और किस तरह से ये हमें कितना अच्छा रिजल्ट देगा मैं बताता हूँ आपको. मैं मूविंग एवरेज लिया हमने 200. किसी भी एक्सपर्ट को आपने टीवी पर देखा होगा या फिर कहीं भी आप न्यूज चैनल में आपकी न्यूज एप्लीकेशन में आपने देखा होगा, तो वहां हमेशा जिक्र जरूर होता है 200 डेज के मूविंग एवरेज का. तो 200 पीरियड के मूविंग एवरेज का मतलब है कि पिछली 200 कैंडल का क्लोजिंग प्राइस का एवरेज. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस में. अब हमें यहां कैसे करना है, जैसे मान लीजिए अगर हम इसी स्टॉक की बात करते हैं, टाइटन को ले लेते हैं. जब कोई स्टॉक 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो जाता है, ऊपर क्लोज हो जाता है, उसके क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस दोनों ऊपर हो जाती है, तो उस समय हम उसमें एंट्री करना है उसके हाई पर, इसके हाई पर. जैसे कि यहां पर इसका हाई क्या है, इसका ये 899.65 मतलब 900 पे हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और 2-3% का जो भी आपको लगाना, 2-3% का प्रॉफिट लगा छोड़ दीजिए. आप 2-3% का प्रॉफिट आप इजीली अर्न कर सकते हैं. यहाँ पर देखिए 929 आ गया, तो इजीली आप थोड़े से दिनों के अंदर जो है 929 से 932 मतलब जो भी आप 2-3% का इजीली यहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे. अब मैं आपको बताता हूँ कि अब एग्जिट कब करना है. तो एग्जिट हमें तब करना है जब कोई कैंडल, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये कैंडल, जब कोई कैंडल जो है 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो जाती है, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस पूरी कैंडल जो नीचे की ओर आ जाती है, तो तुरंत हमें विदाउट दिमाग लगाए वहां पर इमोशन को एक साइड में रखते हुए एग्जिट करना है. ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे एंट्री करते समय एक चीज क्या और चीज देखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है. अब मैं आपको दिखा, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर आपने जो है 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर आई, ऊपर आने के बाद तुरंत आपने यहाँ पे एंट्री किया. एंट्री लेने के बाद में इसके हाई के ऊपर एंट्री लेने, देखिए आप कितना अच्छा शानदार, आपको मतलब विद इन 10 डेज के अंदर आपको काफी अच्छा शानदार प्रॉफिट हुआ. यहाँ पे हम सेल की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बाई की बात कर रहे हैं. बाई करना है क्योंकि हमें डिलीवरी लेना है. ठीक है, तो हम यहाँ पे शेयर की इक्विटी की बात कर रहे हैं. तो अब देखिए टाइटन में हम जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री किया, उसके साथ में क्या देखें, 13 नवंबर की बात है, उसके पहले आप देखिए 12th of November को देखेंगे, देखिए हाई वॉल्यूम को देखिए, नीचे देखिए आप वॉल्यूम कितना ज्यादा, क्योंकि जब भी कोई 200 डेज मूविंग एवरेज का जो ये जो लाइन है ना, इस लाइन को ऊपर को स्टॉक को पुश करने के लिए, नीचे को पुश करने के लिए एक वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है. अगर वॉल्यूम आएगा तभी ऊपर जाएगा. ठीक है, विदाउट वॉल्यूम के ऊपर नहीं जाने का मतलब बहुत मुश्किल है इसको जाना. ठीक है, अब यहाँ देखिए वॉल्यूम आया, वॉल्यूम आकर इसको धक्का दिया ऊपर की ओर. अब हम साथ में और क्या क्रॉस चेक और क्या कर सकते हैं, और क्रॉस चेक हमें ये करना है कि मैंने आपको पहले एक चीज बताई थी, डिलीवरी रिपोर्ट कैसे देखते हैं. तो डिलीवरी रिपोर्ट देखिए, वहां पे आपको वॉल्यूम, ट्रेडेड वॉल्यूम सब कुछ दिख जाएगा. अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए डेट कौन सा था, पहले नोटिस कर लीजिए हमारा जो कब ऊपर जाना कब चालू किया था, 12th of November को. 12th of November, तो नवंबर से उसका डेटा देखेंगे, नवंबर और दिसंबर का, नवंबर का डेटा देखना चालू करते हैं. ये टाइटन आया, टाइटन लिया, टाइटन लेने के बाद हम यहाँ क्या करते हैं, 2018
बहुत ही आसान सिंपल स्ट्रेटजी है, बट मत हम क्या है इग्नोर करते हैं, अरे यार ये क्या कौन देखेगा, ये कौन सी नया, इसमें नया क्या है, नया हमें कुछ, नया कुछ नहीं होता है, सब कुछ यहाँ पे पुराना ही है, हमें सिर्फ चीजों को डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसको देखना है, सिंपल सा देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए आप कौन सा ट्वेल्थ होम नंबर है ना, ट्वेल्थ होम नंबर का डेटा देखिए आप, ट्वेल्थ होम नंबर का डेटा ये देखिए, ट्वेल्थ होम नंबर का डेटा। यहाँ एक चीज नोटिस करिए आप, यहाँ एक चीज नोटिस करिए, इसके पहले का वॉल्यूम देखिए, इसके पहले का क्वांटिटी ट्रेडेड देखिए आप, यहाँ पे देखिए, और एकदम से इस दिन देखिए आप, इस दिन आप देखिए कितनी ज्यादा आप जो है एकदम से जो है, और उसके उसके पहले डिलीवरी क्वांटिटी देखिए, डिलीवरी क्वांटिटी देखिए, क्वांटिटी कितनी हो रही थी यहाँ पे, आप क्वांटिटी देखिए यहाँ पे कितनी क्वांटिटी हो रही थी, और उसके बाद जस्ट एक बार देखिए आप जो है ट्वेल्थ ऑफ ट्वेल्थ और नाइन्थ नवंबर को देखें, नाइन्थ ऑफ नवंबर, नाइन्थ ऑफ नवंबर के बाद में ट्वेल्थ ऑफ नवंबर थर्ड, उसके बाद एकदम से जो है पुश हुआ यहाँ पे, क्वांटिटी एवं डिलीवरी क्वांटिटी एकदम से बढ़ी है, आप नोटिस कर रहे हैं डिलीवरी क्वांटिटी एकदम से बढ़ी, उसने डेटा को पुश किया 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर, और ऊपर पुश किया तो मैं क्रॉस चेक किया कि हाँ यार ये क्रॉस चेक करें ऊपर हुआ, तो आप तुरंत यहाँ पर जो है 2-3% का प्रॉफिट इजीली अर्न कर सकते हैं। और स्टॉक में देख लेते हैं हम, इसे बहुत सारे स्टॉक में दिखा देता हूँ आपको, जैसे HDFC देखिए आप, कोई से भी स्टॉक में देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए जैसे ही आपने 200 डेज मूवी एवरेज लाइन के ऊपर स्टॉक मतलब ओपनिंग ऊपर क्लोज हुआ, आपने तुरंत यहाँ बाय लगाया, बाय लगाने के बाद इजीली आप 2-3% प्रॉफिट यहाँ पे इजीली अर्न कर पाएंगे। और उसमें देखते हैं ये स्टॉक काफी लंबे समय से 200 डेज के ऊपर है, इसको छोड़ दीजिए, दूसरा देखते हैं काफी पॉपुलर स्टॉक हम यस बैंक को देखते हैं। ठीक है, जनरली मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को देखा है यस बैंक को लेते हुए, कभी भी ले लेते हो, अरे बहुत ज्यादा कम आ गया है, 150 हो गया, 150 हो गया, ले लेते हैं। अरे मेरी बात सुनिए आप, यहाँ पर देखिए अगर आप स्ट्रिक्टली, क्योंकि 200 डेज के ऊपर क्लोज होने वाले स्टॉक अगर आप स्टॉक स्कैनर से देखेंगे बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे, एक में प्रॉफिट बुक किया 3-4% का, दूसरा में करिए भाई, अगर हम किसी स्टॉक में लंबे समय के लिए पैसा लगा करके अगर नुकसान में अगर आप बैठे हुए हैं उसको होल्ड करके बैठे हैं, मतलब अल्टीमेटली आपके पैसों का कुछ भी यूज नहीं हो रहा वहां पे, मतलब कोई मतलब नहीं निकल रहा, उससे बेटर है कि अगर हम थोड़ा सा नुकसान उसमें खा करके दूसरे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है हमारी। आप देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए 6th of July और यहाँ पे देखिए आप 5th of July 2018 को 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन को इसने क्रॉस किया था, मतलब पिछली 200 कैंडल है उसकी जो क्लोजिंग प्राइस है उसका जो एवरेज होता है वो हमारी 200 डेज मूविंग एवरेज की वैल्यू होती है ना, तो हम यहाँ पे क्या हो रहा है इसको इसको क्रॉस करने की कोशिश कब करी इसने, 5th of July और 6th July को ये एंड उसके ऊपर क्लोज हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे डेटा देखते हैं यस बैंक का डेटा देखते हैं, यस बैंक देखा है ना, जुलाई का डेटा देखना है ना, हमें जुलाई में चले जाते हैं, ये जुलाई में चले गए, जुलाई से हम 1st of July ले लिया, हमें इंटरेस्टेड है 5th और 6th July के डेटा में। अब नोटिस करिए आप देखिए यहाँ क्वांटिटी ट्रेडेड कितनी हो रही थी, ठीक है, एकदम से क्वांटिटी में जंप आया यहाँ पर देखिए, और उसके बाद डिलीवरी क्वांटिटी देखिए, डिलीवरी क्वांटिटी एकदम से जंप आया, डिलीवरी क्वांटिटी में एकदम से जंप आया यहाँ पर, आप देख रहे हैं डिलीवरी क्वांटिटी में एकदम से, मतलब किसी बड़े ट्रेडर ने या तो यहाँ पे अच्छा खासा पैसा लगाया है या फिर बहुत सारे जो है मतलब इन्वेस्टर ने एक साथ यहाँ पर जो है मतलब, क्योंकि जो है 200 डेज के मूविंग एवरेज की लाइन के आसपास अगर स्टॉक रहता है तो काफी मतलब स्टॉक जो है काफी जो ट्रेडर्स रहते हैं इन्वेस्टर रहते हैं वो मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो जाते हैं कि भैया अब यहाँ पे जो ऊपर क्लोज होने वाला है हम यहाँ पे बाय करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जैसे ही इसके ऊपर जगह यहाँ साथ में 5th और 7th नवंबर को एकदम क्वांटिटी बढ़ी वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम के साथ में देखिए आप आसानी से आप 2-4% का मतलब 5% का प्रॉफिट इजीली आपने 10 डेज के अंदर यहाँ पे अर्न कर लिया। अब उसके बाद में अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए गलती से कभी, क्योंकि ऐसा नहीं कि 100% ये स्ट्रेटजी वर्क करेगी या फिर 100%, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। मान लीजिए अगर आपने यहाँ एंट्री करी, एंट्री करने के बाद जैसे ही ये वाली कैंडल देखिए कौन सी डेट का है ये, आप देखिए ना ये हमारा 10th of September, तो 10th September के दिन आप देखिए ये कैंडल हमारी नीचे और क्लोज हो गई, तुरंत बगैर दिमाग लगाए आप यहां से एग्जिट कर जाइए, क्योंकि कैंडल जो है 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो चुकी है, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस नीचे आ चुका है, सीधा सा हमें दिमाग लगाना है और यहाँ पे बिल्कुल हमें जो है एग्जिट कर देना है, बिल्कुल डिसिप्लिन में हमें एग्जिट कर देना है, ऐसा नहीं कि आप बढ़ेगा वापस बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं, अब अगर आप यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं तो यहाँ बच जाते हैं आप, नहीं तो उसके बाद देखिए खतरनाक कंडीशन खराब हुई है स्टॉक की, तो हमें सीधा सा ध्यान रखना है, डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। मान लीजिए कभी कभी स्ट्रेटजी से मान लीजिए फेल हो जाती है, हमने ऊपर
ऊपर उसके हाई पे बाय कर लिया, बाय करने बाद थोड़े दिन बाद एक कैंडल जो नीचे आके क्लोज हो गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एग्जिट कर देंगे। हमें पता है कि एग्जिट कब करना है, ऐसा तो हमें पता नहीं है कि हम जो है रेंडमली काम कर रहे हैं कि भैया हमें पता ही नहीं कि एग्जिट कब करना है और एंट्री कब करना है। हमें एंट्री का भी पता है और हमें एग्जिट के बारे में भी पता है। और भी स्टॉक ले लेते हैं, जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि डॉक्टर रेड्डी लेते हैं, जैसे डॉक्टर रेड्डी, ये डॉक्टर रेड्डी लिया हमने, डॉक्टर रेड्डी। अब डॉक्टर रेड्डी भी देखिए आप, जैसे 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आए, देखिए कितना शानदार से आपको, मतलब विद इन 10 डेज के अंदर आपको शानदार प्रॉफिट बुक हुआ है। यहाँ पे देखिए क्लोज हुआ, इसके ऊपर हाई के ऊपर बाय करना, आप देखिए 2-3% का प्रॉफिट इजिली हम अर्न कर पाए उसके। आप यहाँ पे अब देखिए यहाँ पर, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है सेकंड डे हम उस दिन जो है ये कैंडल जो ऊपर क्लोज हुई अब ये कितना था 2512 के ऊपर ये प्राइस गया ही नहीं, तो हमारे यहाँ पे एग्जिट भी नहीं करेंगे क्योंकि हमें उसके ऊपर हाई के ऊपर बाय करना है। तो हाई के ऊपर बाय कब हुआ हमारा, यहाँ पर बाय हुआ, लगभग यहाँ पर इस दिन बाय हुआ। कौन से दिन बाय हुआ हमारा, 18th of Jan 2018 को बाय हुआ हमारा। तो उसके बाद में इजिली हम जो है 2615 तक चले गए, 2512 से 2615 तक चले गए, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे अगर इस तरह से देखेंगे इसको, 200 डेज के मूविंग, कोई क्रॉसओवर लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन है। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, दिखने में बहुत आसान दिखती है, लोग जनरली अवॉइड कर देते हैं कि यार क्या है फालतू है 200 डेज मूविंग एवरेज की लाइन, मतलब लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं 200 डेज मूविंग एवरेज की लाइन क्या होती है। मूविंग एवरेज को ऐसा इंडिकेटर समझते हैं लोग, यार बर्बाद है ये, एक नंबर का बर्बाद इंडिकेटर है। बट आप नोटिस करिएगा इंट्राडे में हो सकता है कि मूविंग एवरेज जो है इंट्राडे में हो सकता है कि इंट्राडे में क्या है, हमें बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ टाइम में हमारा ट्रेडिंग करना होती है, मतलब हमें बहुत कम टाइम में हमारा जो एंट्री और एग्जिट करना रहती है, उस समय मूविंग एवरेज हमारा बहुत सी बार फेल हो जाता है। बट हम यहाँ पर जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए हमें पहले से जब ये कैंडल क्लोज होगी तो हमें इजीली दिखेगा, दूसरे दिन हमें इजीली शाम को पता लग जाएगा कैंडल ऊपर क्लोज हुई, आसानी से आप देख सकते हैं हाँ ऊपर क्लोज हो गई कैंडल। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस तरीके से शॉर्ट टर्म के लिए 5-10 डेज के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो काफी अच्छा आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।